पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एकल अभियान तथा वर्तमान समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों की प्रासंगिकता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने किया। जिसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर एक सप्ताह तक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। उन्होंने बताया कि 8 फरवरी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर प्रतियोगिताएं चल रही थी जो कि 10 फरवरी को समाप्त हो गई तथा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजयी छात्र व छात्राओं को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्रोफेसर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने कहा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज छुट्टी के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित है, कुसुम राघव जी और जो चने की दाल मिलना शुरू हुआ था तो मैं राशन की दुकानों पर जाया करता था यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना में बेईमानी न हो पाए, और इसलिए हम लोगों ने गरीबों के चेहरों पर वो खुशी जो उन्हें निःशुल्क अनाज, उस समय तो हम लोग निःशुल्क अनाज दे रहे थे, 2 रुपए और 3 रुपए किलो भी नहीं लेते थे, निःशुल्क अनाज देते थे, चेहरे पर उस खुशी को हम लोगों ने देखा है। उस सारी खुशी और योजना रचना के आत्मा में अगर कोई था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। मित्रों, यह बहुत लंबी चौड़ी बात है और मुझे दूसरे का समय नहीं लेना चाहिए, हम सबको स्वामी जी को सुनना है। मैं एक बार पुनः माननीय कुलपति को एक अच्छी शुरुआत करने के लिए बधाई दूंगा, आभार प्रकट करूंगा अपने वैचारिक संगठन की ओर से और अपनी बातें समाप्त। हमारे आज के नारायण श्री गंगा गंगे तिलोभूया योजना नाम शकैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम गच्छसि। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह जी इस गोरखपुर नगर के यशस्वी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, प्रोफेसर नंदिता जी, प्रोफेसर संजीव कुमार जी, श्रोता दीर्घा में बैठे हुए इस विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्यगण, छात्र, शोध छात्र भाई बहन, मैं अपने विषय से
से इधर उधर नहीं जाना चाहता। चर्चा इतनी अध्यात्म की हो गई कि आपकी अपेक्षा भी हो जाएगी कि स्वामी जी प्रवचन करें। हालांकि मेरी छवि देश में प्रवचनकार की है नहीं। सर्वप्रथम तो मैं अपने माननीय कुलपति जी को इस बात के लिए ढेरों सारा साधुवाद दूंगा कि पंडित दीनदयाल जी के पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और ये सतत बना रहेगा। शुरुआत तो किसी ने की है। दीनदयाल जी के जन्म दिवस पर 25 सितंबर के दिन प्रचंड बारिश, कोरोना महामारी का एक बड़ा कालखंड ऑनलाइन में जुड़ा था तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या बोल रहा हूं और लोग सुन क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि मैं भी इसी विश्वविद्यालय के किसी बगिया का विद्यार्थी रहा हूं। एक कारण राधे मोहन दास, डॉक्टर राधे मोहन दास अग्रवाल जी,
संकाय प्रमुख प्रोफेसर नंदा सिंह जी, शोधपीठ के निदेशक डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने वाले डॉक्टर शैलेश सिंह जी, उपकुलपति प्रोफेसर पांडे जी, सामने बैठे सरकार प्रमुख विभाग अध्यक्ष, साथियों विद्यार्थियों, मुझे याद है लगभग 23 सितंबर को, जब मुझे पता नहीं था कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी महाराज का जन्म दिवस है, तो 23 सितंबर को संजीव गुप्ता जी का हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि कार्यक्रम 25 सितंबर को करना है और आप उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ। तो मुझे ये उम्मीद थी कि चूंकि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के नाम पे विश्वविद्यालय है तो काफ़ी शानदार प्रोग्राम होगा, लेकिन चूंकि कोविड-19 की बात भी थी तो मैंने कहा प्रोग्राम का डिटेल भेजिए, तो उन्होंने भेजा, तो मेरे एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नहीं था, और मुझे लगा कि हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मैंने संजीव गुप्ता जी को बुलाया और आज की विधायक की देखिए मेरे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, हमारा ब्रांड इमेज है, और उसको अगर हम ठीक से शोकेस नहीं करेंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, फिर मैंने उस पर चर्चा की, मैंने कोशिश की जल्दी जल्दी क्या किया जा सकता है, तो कुछ नहीं समझ में आया, तो स्वामी जी से ही मैंने अनुरोध किया, लास्ट मोड़ करीब 24 सितंबर को मैंने उनसे दूसरी वार्ता की, अनुरोध किया, वो सहज तैयार हो गए, शायद वो उस विषय के लिए शायद तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बोला, और प्रोफेसर संजीव गुप्ता जी को शायद वो चीज़ याद थी और उन्होंने बिना पूछे ही स्वामी जी को फिर मेरे पास प्रस्ताव भेजा कि आज मुझे बुलाना चाहते हैं, तो इस तरह से स्वामी जी को आपने सुना। मैं कहना ही चाहता हूँ कि हम आपने विचार सुने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के बारे में, सभी जानते हैं, हमारे बच्चे भी जानते हैं, टीचर्स भी जानते हैं, जानना ही बहुत नहीं है, हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम एक सिंपल अपने हेड्स को बुला लेते हैं और अपने फ्रेंड्स को बुला लेते हैं, कुछ टीचर्स को बुला लेते हैं, स्वामी जी को भी बुला लेते हैं, लेक्चर हो जाता और बाहर छप जाता तो ही कार्य पूरा हो सकता है। हम लोग की मंशा ये थी, जो भी कुछ लोग थे कि जो भी आपने जैसा सुना 52 साल की उम्र में उनकी हत्या हो गई और स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, कुछ शक्ति में देखा कि एक विचारक है जो कि मासेस को अफेक्ट कर सकता है और उस विचारक को दबाने की कोशिश की गई और एक चिंता का विषय था, इस पर इसकी चर्चा हमारे यहाँ होनी चाहिए, वो विचार आगे आने चाहिए और यही एक प्रयास था। मैंने अपनी जो भी प्रॉब्लम थी हम लोग उठाया, तो मैंने कहा नहीं एक इंटरनेशनल सेंटर है और आपको जान की खुशी होगी कि हमारे भारत में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जितने विचारक हैं उनको ये चीज पता है कि कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हो रहा है।
इधर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि थी, उसका कार्यक्रम आपने देखा। मेरा ख्याल है पूरे देश में ये अकेला विश्वविद्यालय है जो कि 7 दिवसीय कार्यक्रम इस पुण्यतिथि के अवसर पर कर रहा है। 3 दिन पहले 8, 9, 10 के कार्यक्रम, कई प्रतियोगिताएं थी वो समाप्त हो गई हैं और आज वो हम लोगों ने उनका पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, उनको नमन किया।